विरिस्मा मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप बना रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और उसके साथ साथ इनकी फिंगर्स को अगर चेक किया जाए तो फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं और फिंगर्स की जो लेंथ है यहाँ पर मीडियम नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर क्लोजअप में, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह की एक सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। इनकी भी फिंगर्स के ऊपर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं और दूसरों के साथ काफी तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अब बात करते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं लेंथ में मीडियम है और इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है। यहां से आप देख सकते हैं इन दोनों फिंगर्स की लंबाई में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से एक क्रिएटिव टाइप की नेचर इनकी रहेगी। क्रिएटिविटी काफी अच्छी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। उसके साथ साथ बृहस्पति फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी नेटिव के भीतर रहती हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर ये दोनों ही फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है। यहां से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, फिंगर्स यहाँ पर थिक नजर आ रही हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। और बृहस्पति फिंगर का बिल्कुल सटा हुआ होना इस शनि फिंगर के साथ, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों फिंगर्स बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं और कोई भी गैप यहाँ पर इनकी फिंगर्स के बीच में नजर नहीं आ रही। यहाँ पर नॉर्मली लोगों की फिंगर्स के बीच में गैप्स होते हैं, जिन गैप्स को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर फिंगर्स इस तरह से बिल्कुल आपस में सटी हुई हो और रोशनी बिल्कुल भी आर पार दिखाई ना दे रही हो तो ऐसे व्यक्ति धन संचय करने के मामले में काफी लकी रहते हैं और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके काफी अच्छा धन एकुमुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की, आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रेट होना और थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफी ऑनेस्ट नेचर के होते हैं और साथ ही साथ काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड बनाता है, ऐसे व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं और एक अच्छी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है उसके और सूर्य फिंगर के बीच में काफी फेयर गैप नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर कुछ इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप मौजूद हो व्यक्ति को थोड़ा हठी स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं। और उसके साथ साथ मरकरी फिंगर की लंबाई को अगर देखा जाए काफी अच्छी लेंथ में इनकी मरकरी फिंगर नजर आ रही है। मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग रहता है। मर्करी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बिजनेस एक्यूमेन के साथ साथ काफी अच्छी कैलकुलेशंस और काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देता है। तो यहाँ पर आपने देखा इनकी फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है, लेंथ वाइज बेशक ये फिंगर्स मीडियम है लेकिन काफी अच्छे रिजल्ट देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सभी माउंट्स इवन इनके मर्करी माउंट को भी अच्छी स्पेस मिल रही है। मर्करी माउंट
सूर्य माउंट, शनि माउंट और इनका बृहस्पति माउंट, चारों माउंट्स यहाँ पर हाई सेट नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनके सभी माउंट्स के ऊपर कौन से चिन्ह हैं और क्या क्या उनके इफेक्ट रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका बृहस्पति माउंट है यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है और इस माउंट पर अपवर्ड जाने वाली कुछ रेखाएं पहुंच रही हैं। इस तरह की रेखाएं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली इनके गुरु माउंट पर पहुंच रही हैं और साथ ही साथ यह रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं काफी अच्छी प्रोग्रेस को इंडिकेट कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस रहने वाली है मिडिल एज तक काफी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी और खास तौर पर लंबी रेखाएं जो यहाँ पर लाइफ लाइन से निकलकर डायरेक्टली बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देती हैं। और आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट को, शनि माउंट यहाँ पर थोड़ा सा वीक होता नजर आ रहा है, यह जो एरिया है शनि का थोड़ा सा दबता हुआ और इवन इनकी जो फेट लाइन है जो शनि रेखा जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ पर अपवर्ड पहुंचकर थोड़ी सी वीक हो रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, यहां से यह रेखा चलती हुई और लगभग शनि माउंट पर पहुंचने के बाद यहां से यह रेखा थोड़ी सी कमजोर होती नजर आ रही है। जहां से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में थोड़ी ओवरलैपिंग में चलती हुई जो इंडिकेट करती है कि लेटर एज में चलकर थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह माउंट जो है पूरी तरह से उभरा हुआ नहीं है, अंदर की तरफ दबता हुआ शनि माउंट जो स्ट्रगल पैदा करता है और अगर भाग्य रेखा कहीं से भी ओवरलैप्ड हो या ब्रोकन हो तो उस स्टेज में चलकर थोड़ी बहुत दिक्कतों का नेटिव को सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेट लाइन को क्रॉस करने वाली कुछ रेखाएं यहाँ पर इनिशियली भी मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं जो इस लाइन को क्रॉस करें या टच कर रही हों यह भी अप्स एंड डाउन्स का कारण बनती हैं। तो लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रगल रहने वाली है लेकिन एक लंबी फेट लाइन का होना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव को लाइफ में हर तरह की कंफर्ट्स मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को, शनि माउंट की भांति सूर्य माउंट का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ जिसकी वजह से यश मिलने में थोड़ी सी कमी रह सकती है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, कुछ इस तरह की सूर्य रेखा, बेशक ये बहुत लंबाई में नहीं है लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा का होना व्यक्ति को लिटरेज में चलकर काफी अच्छी रिकॉग्निशन भी सोसाइटी में दिलवाता है। और आप देख सकते हैं इनका मर्करी माउंट, मर्करी माउंट को काफी अच्छी स्पेस मिलती हुई, मर्करी माउंट अगर लो सेट हो जाए तो कुछ वीकनेस को शो करता है लेकिन यहाँ पर यह माउंट ज्यादा लो सेट नहीं है और इस माउंट का जो एरिया है काफी प्रोमिनेंट और उभरा हुआ है जिस वजह से ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन काफी अच्छे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल लंबाई में और सीधा इनके बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन जो गुरु माउंट तक पहुंचे बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटीज होते हैं और इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव रिलीजियस होगा और दिल से रिलीजन को फॉलो करने वाला होता है। और इस तरह की रेखा अगर स्ट्रेट हो तो प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी इशारा करती है, ऐसे नेटिव काफी प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस ऐसे व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होते लेकिन कुछ इस तरह का जो एक आपको कट नजर आ रहा होगा दोनों साइड्स पे, इस तरह कट होने की वजह से एट टाइम्स ऐसा व्यक्ति थोड़ा इमोशनल हो सकता है लेकिन ओवरऑल जो लाइफ रहती है ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती है जिनकी हार्ट लाइन स्ट्रेट हो, बहुत ज्यादा झुकाव हार्ट लाइन में ना हो और हार्ट लाइन आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी कमी हार्ट की लाइन में नजर नहीं आ रही, एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ एक हल्की रेखा का चलना माइनर इश्यूज को इंडिकेट करता है लेकिन अगर यह हार्ट लाइन ब्रोकन हो या कोई आइलैंड हार्ट लाइन पर हो तब दिक्कतें होती हैं, अदरवाइज अगर हार्ट लाइन स्ट्रेट हो तो कोई मेजर प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड व्यक्ति को नहीं होती। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो माइंड लाइन है काफी अच्छी लंबाई में है, ऐसे नेटिव जिनकी माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में हो शार्प माइंडेड होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छा धन भी एकुमुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का काफी अच्छी लंबाई में होना और अंत में चलकर हल्का सा डिप लेना इंडिकेट करता है कि थोड़ी ओवर इमेजिनेशन भी रह सकती हैं लेकिन कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इनकी माइंड लाइन भी इंडिकेट नहीं कर रही।
चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को और इनके लोअर माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहां से इनकी लाइफ लाइन की शुरुआत होती हुई और यह लाइन यहाँ पर लगभग थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई और एक फिश जैसा सिंबल क्रिएट करती हुई, इस तरह का जो चिन्ह है लाइफ लाइन के अंत में बनना भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे नेटिव जिनकी लाइफ लाइन अंत में आकर बाई फोर्क हो रही हो, लाइफ में कई बार फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में काफी ज्यादा रहती है, और उसी के साथ साथ इस तरह का जो चिन्ह है लाइफ लाइन के अंत में नेटिव को सडन वेल्थ गेन्स भी देता है। अचानक धन लाभ लाइफ में होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और लाइफ लाइन का अच्छी लंबाई में होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जो एज है 80 के आसपास रहने की संभावना रहेगी, और काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइंस लाइफ लाइन के ऊपर होना, ऐसी रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, ऐसी रेखाओं का लाइफ लाइन के ऊपर मौजूद होना यह भी दर्शाता है कि मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। और आगे आप देख सकते हैं इनकी जो उनका माउंट है चंद्र माउंट, इस माउंट के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी, कुछ ऐसी लाइंस। आड़ी रेखाओं को यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी रेखाएं शॉर्ट ट्रैवलिंग को भी इंडिकेट करती हैं, लेकिन अगर काफी सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति की लाइफ में शॉर्ट ट्रैवलिंग्स तो होगी ही, साथ ही साथ एंग्जाइटी की दिक्कत भी ऐसे नेटिव को रह सकती है। उसी के साथ साथ अपवर्ड जाने वाली लंबी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी रेखाओं का होना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है। जितनी ज्यादा रेखाएं ऐसी चंद्र माउंट के ऊपर होती हैं उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग ऐसे नेटिव को लाइफ में करनी पड़ सकती है। और अगर वीनस माउंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया है उभरा हुआ है, इस तरह का उभरा हुआ वीनस माउंट होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव के खर्चे थोड़े से अधिक रह सकते हैं, और साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी रेखाओं का होना ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता। इस तरह की आड़ी रेखाएं अगर शुक्र माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को फैमिली से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी आती है, और साथ ही साथ यह जो रेखाएं हैं वरीज को इंडिकेट करती हैं। ऐसे नेटिव को अपनी फैमिली की तरफ से कुछ वरीज भी रह सकती हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।